फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिखाया कि यहां पर आधार कार्ड को लिंक करना है अब वोटर आईडी कार्ड से, तो वोटर आईडी कार्ड से आप अब सभी को लिंक करना बहुत ही जरूरी हो गया है। अब वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के लिए इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि वोटर आईडी को लिंक कैसे किया जाता है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। एक बार यहाँ पर जरूर ध्यान दें कि आप जो भी साइबर कैफ वाले हैं यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को अपन अगर आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो उन सभी का अलग अलग एक अकाउंट बनाया होगा, यानी कि सभी लोग जितने भी लोग आप वोटर आईडी कार्ड को लिंक करें आधार से तो सभी को एक नया अकाउंट क्रिएट करना हो तभी उनका आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो पाएगा। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपको वोटर आईडी कार्ड को लिंक आधार से कैसे करना है, उसका स्टेटस कैसे चेक करना है, इसका रेफरेंस नंबर कैसे निकालना है और सभी डिटेल इसका कैसे किस तरह से प्रोसीड करना है, इसका मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मन में अगर किसी भी तरह का सवाल होगा इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र या तो लैपटॉप का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा NVSP। इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेगा इसको ओपन करेंगे। इसको सर्च बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ है वोटर पोर्टल, जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ये वोटर पोर्टल वहाँ पर सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ओपन होने के बाद जिसका पहले से अकाउंट बना हुआ होगा तो यहाँ पर अपना आईडी और यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर कैप्चा ई वाला इस बॉक्स में फिलअप करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जिनके पास आईडी और पासवर्ड नहीं होगा, जो जिनका जिनका आपको लॉगिन करना होगा, जिनको लिंक करना होगा, तो उनको आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको आना होगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेज इस तरह से देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे या तो इस वाले मोबाइल नंबर से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आगे का प्रोसेस शो कर देता हूँ। एक बात यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर सेलेक्ट इफ़ यू आर ओवरसीज इलेक्ट्रॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवल आपको ईमेल आईडी डालना होगा। तो इसलिए आपको अगर मोबाइल नंबर से करना बेटर रहेगा, आपको यहाँ पर ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद OTP जाएगा उस मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर आपने दिया है। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर चुका हूँ। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। OTP यहाँ पर आपको आ जाएगा। OTP आपको इस बॉक्स में फिलअप करना होगा। मेरा OTP आ चुका है। यहाँ पर OTP वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ सक्सेस लिखा दिया गया था। इसके बाद आगे का प्रोसेस इस तरह से कुछ शो कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर आपको नया एक पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड, इसके बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में, इसके बाद यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर अकाउंट भी बना चुका हूँ। इस तरह से पासवर्ड डाल चुका हूँ। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेने के बाद आपको इस तरह से आपको आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। मेरा यहाँ पर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, वेलकम वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। वेलकम वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो पा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा, जो वोटर आईडी कार्ड पर नाम होगा, या तो आप जो भी नाम है आप अपना डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम डाल लेता हूँ। इसके बाद लास्ट नेम, इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पहले स्टेट भी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, कौन से स्टेट से आप हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। डिटेल्स मैं फिल कर चुका हूँ। इसके बाद सबमिट वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, जो आपको शो हो पा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर चार ऑप्शन है, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, करेक्शन करने के लिए और डिलीकेशन करने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक आधार लिंक का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मुझे आधार लिंक करना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको नाम लिखा दिया जाएगा। यहाँ पर इस तरह से डिटेल कुछ यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर थिंक यू शुड नो, यहाँ पर लिखा है डू यू ऑलरेडी हैव एन वोटर आईडी कार्ड नंबर। आपके पास अगर ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड नंबर पहले से है तो यहाँ पर यस हैव आईडी कार्ड वाला पर क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। मेरे पास है, यहाँ पर यस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर फिलअप करना होगा। मैं अपने यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर फिलअप कर चुका हूँ। इसके बाद फैच डिटेल वाला पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। फैच पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड आपको करना होगा।
इसके बाद आपका पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा, जो भी डिटेल आपके पास अवेलेबल था, जो जो यहाँ पर आईडी कार्ड में रहता है वोटर आईडी कार्ड में, वो डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पेज कुछ आगे इस तरह से शो होगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, डिटेल ऑफ पर्सन फॉर्म 6 भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पर आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव ए अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो मेरे पास आधार नंबर है, मुझे लिंक करना है, यहाँ पर यस वाला पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, इसके बाद लास्ट नेम, इसके बाद यहाँ पर डिटेल, यहाँ पर ओटीपी फिर से आपको एक बार सेंड करने के लिए आएगा। तो डिटेल आपको पहले ओटीपी यहाँ पर सेंड कर लेंगे मोबाइल नंबर फिर से डाल के, जो मोबाइल नंबर आपने पहले डाला था। इसके बाद यहाँ से सेंड ओटीपी, इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो चलिए वेरीफाई ओटीपी मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा वेरीफाई ओटीपी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल लीजिए और यहाँ पर लास्ट नेम डाल लीजिए। इसके बाद इंटर योर फर्स्ट नेम आपको हिंदी में ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर आप नाम इंग्लिश में टाइप करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद सेव, यहाँ पर ड्राफ्ट लिखा गया, यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं या तो यहाँ पर आगे का प्रोसेस भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड ड्राफ्ट पर क्लिक कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका डिटेल, आज का डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर प्लेस का नाम डाल लेना जहाँ से अभी आपने यहाँ पर लिंक कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। यहाँ पर प्लेस का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपका नाम मिला लेना है। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सेव इस तरह से हो जाएगा। डिटेल इस तरह से आपको मिलाने का प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू मिलाने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आधार नंबर वाले सेक्शन पर यहाँ पर एक बार टिक लगा देना है। थोड़ा सा मैं आ गया हूँ वहाँ से बैक, क्योंकि वहाँ पर मुझे आधार नंबर फिलअप करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर मैं बैक आया, वहाँ से एडिट करके नीचे ऑप्शन एडिट का ऑप्शन दिया था, वहाँ से एडिट करने के बाद यहाँ पर आई हैव वाला आधार पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे आगे की ओर बढ़ने के लिए। आगे की बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको इस तरह से सेव पहले वाला ही दिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल डिटेल यहाँ पर दिखाया जाएगा जो अभी तक आपने डिटेल फिलअप किया है। मेरे यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पर जो यहाँ पर बॉक्स दिखा रहा हूँ, ये वाला बॉक्स जो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला बॉक्स मेरा यहाँ पर आधार नंबर शो नहीं कर रहा था। तो मैं क्या किया कि अगर जब आधार नंबर शो नहीं कर रहा था तो यहाँ पर तक प्रोसेस आने के बाद मैं क्या किया कि यहाँ से मैं बैक आ गया। यहाँ पर जाने के बाद एडिट फॉर्म वाला पर, यहाँ से एडिट वाला पर जाएंगे। बैक करने के बाद वहाँ पर मैं आपको आधार नंबर फिलअप करके भी दिखाया, और फिलअप करने के बाद आपको इस तरह से पेज आ जाएगा, फिर से आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपको फिर से यहाँ पर सबमिट वाला पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका सबमिट हो जाएगा यहाँ पर आधार कार्ड के लिए। आपको वहाँ पर मोबाइल पर मैसेज भी चला जाएगा यहाँ पर आधार नंबर सबमिट होने के बाद। और यहाँ पर ये वाला रेफरेंस नंबर क्या करना है, कॉपी कर लेना है, या तो आपके मोबाइल पर ओटीपी यहाँ पर रेफरेंस नंबर चला गया होगा। इसको ट्रैक करने के लिए आपका सेव हुआ कि नहीं, यानी कि लिंक हुआ कि नहीं, तो इसके लिए होम पेज पर आना होगा। और होम पेज पर आने के बाद आपको ट्रैक करने का मैं ऑप्शन बताता हूँ कि ट्रैक करने का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। तो ट्रैक करने के लिए आपको आ जाना है यहाँ से, और यहाँ पर आने के बाद ट्रैक स्टेटस यहाँ पर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। और तो मेरा यहाँ पर नोट रिकॉर्ड अभी दिखा रहा है क्योंकि अभी तुरंत मैंने किया है, और इसलिए यहाँ पर ऐसे इस तरह से शो कर रहा है। तो ट्रैक करने के लिए आपको नोट रिकॉर्ड फोन अगर शो करता है तो आप 24 घंटे के बाद इसमें चेक करके देख लेंगे यहाँ पर आपका शो हो पा रहा है नहीं। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मन में किसी भी तरह का सवाल होगा इससे संबंधित, अगर प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।